तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको बताएंगे लाडली बहना योजना के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर ये योजना जो है जो सॉरी यहाँ पर 23 में संचालित हो चुकी है, घोषणा हो चुका है। आपको यहाँ पर 12 किस्त भी मिल चुकी है, साथ ही आपको बताएंगे 13 किस्त कब मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर 1250 रुपये जो राशि मिल रहा था उसको यहाँ पर बढ़ाकर यहाँ पर 3000 रुपये की राशि यहाँ पर कर दिया जा चुका है, उसके बारे में आपको जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस आप वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको इसकी जानकारी पूरा आपको संपूर्ण जानकारी आपको समझ में आने वाला है। उससे पहले आप बता दीजिए, चैनल पर जो भी सरकारी वैकेंसीज होती है या सरकारी अपडेट होती है या फिर सरकारी योजनाएं होती है उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम को जो है वहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सवाल पूछना हो तो यहाँ पर आप सीधा हमें मैसेज कर सकते हैं, आपका हम रिप्लाई अवश्य देंगे। तो आप यहाँ पर वीडियो में आप बात करते हैं पर मिलेंगे अब लाडली बहना योजना के तहत 3000 रुपये की राशि, जिसको यहाँ पर बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर बढ़ाकर 3000 राशि कर चुकी है। और साथ ही आपको बताएंगे 13वां किस्त आप कब डलेगी आपके खाते में, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलने वाला है। उससे पहले आपको बता दें, इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप जानकारी यहाँ पर आगे आप शेयर भी कर देना, ताकि आप किसी और के यहाँ पर आवेदन कर सके। अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप आवेदन कर सकें। वीडियो को कर लेते हैं हम स्टार्ट यहाँ से बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री यहाँ पर लाडली आवास योजना सॉरी यहाँ पर बहना योजना का क्या योजना को लेकर नया ऐलान है, कब मिलेगा इसका डबल फ़ायदा, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है तभी आपको समझ में आ रहा है। महिलाओं के यहाँ बहुत बड़ी खुशखबरी चल रही है, कई सारी योजनाएं चल रही है जिसमें कि यहाँ पर लाडली बहना योजना महिलाओं के बीच लोकप्रिय योजना रहा है या है। इस योजना का खास बात यह है कि आपको बता दें, योजना के माध्यम से राज्य की लाडली बहनों को यहाँ पर तो राज्य की बहनों को प्रति माह एक निश्चित या धनराशि किस्तों के पर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। हाल में ही बता दें, योजना को लेकर बहुत बड़ी ऐलान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ऐलान इस योजना के प्रति माह मिलने वाली राशि जो भी यहाँ पर राशि मिलती है प्रति माह उसको लेकर, इसके अनुसार लाडली बहन योजना के तहत बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल के सामने आ रही है। तो आपको बता दें, लाडली बहन योजना की राशि को यहाँ पर 3000 रुपये तक की यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसा ऐलान किया है। यहाँ पर जो अभी CM है यहाँ पर जो भी MP का वो यहाँ पर ऐलान किया है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो फिर राशि को 3000 बनाने की यहाँ पर बात कही है। तो उसके बाद दरअसल बात यह है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आपको शिवराज सिंह, जैसे कि आपको पता होगा शिवराज सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के यहाँ पर मेदिनीपुर में एक चुनाव सभा के यहाँ पर देखते दौरान बयान दिया था कि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। उन्होंने चुनावी सभा के में लोगों को यहाँ प्रदेश से संबोधित करते हुए कहा है कि यहाँ प्रदेश से हैं कहा है कि यहाँ पर सरकार लाडली बहन योजना के खाते में हर महीना 1250 यहाँ पर भेज रही है। जैसे कि आपको पता 1250 आपको मिल रहा है, इसे पर बढ़ाकर 3000 रुपये यहाँ पर कर तक के ले जाने वाले हैं यहाँ पर कहा गया है। बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद में रहते हुए शिवराज सिंह यहाँ पर चौहान जी ने यहाँ पर लाडली बहन योजना के यहाँ पर शुरुआत की थी। अब उन्होंने बहनों को यहाँ पर योजना के राशि को बढ़ा पाने पर 3000 रुपये यहाँ पर करने का ऐलान किया है या कर दिया है। साथ ही आपको पता चले, हालांकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर मोहन यादव है, अभी वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है मोहन यादव। तो चुनाव के बाद आपको बता दें, चुनाव के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लाडली यहाँ पर बहना योजना की राशि बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद रखी है। तो ऐसी उम्मीद है कि लाडली बहना योजना का राशि लोकसभा चुनाव परिणाम के आने के पश्चात, जैसे कि आपको पता होगा बाद आपको पता नहीं, बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ खास यहाँ पर नहीं कहा गया है। लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना को यहाँ पर देख सकते हैं मिलने वाले राशि के यहाँ पर बढ़ोतरी करती है या फिर नहीं। अभी उसको लेकर कोई आपको गलत कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मिल भी सकता है नहीं मिले। हालांकि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री ने योजना की राशि बढ़ाने का आश्वासन दिया जरूर है कि यहाँ पर इस चुनावी भाषण में प्रदेश के यहाँ पर महिलाओं को दिया जा सकता है, यहाँ पर ऐलान किया गया है कि यहाँ पर इसको राशि को बढ़ाया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद लाडली बहन योजना भी कितनी यहाँ पर मिलती है सहायता राशि, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो जैसे कि आपको जानकारी होगा, लाडली बहन योजना के लागू करने की घोषणा पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी आपको बता दें 2023 में की थी। इसके तहत आपको बता दें, राज्य के लाडली बहनों को 1000 रुपये प्रति माह की घोषणा की थी। लाडली बहन योजना पहली किस्त आपको बता दें, यहाँ पर पहली किस्त आपको 10 जून 2024 को जारी की थी, जिसमें आपको 1209 करोड़ रुपये की यहाँ पर महिलाओं के खाते में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी गई थी। आपको 10 जून को यहाँ पर पहली किस्त मिला था। अब तक लाडली बहन योजना के तहत आपको पता 12 किस्त आपको इस योजना के तहत जुड़ी आपको महिलाओं के पर मिल चुकी है 12 किस्त, और लाभार्थी यहाँ पर देख सकते हैं 13वां किस्त इंतजार कर रहे हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे 13वां किस्त कब दिया जाएगा। तो बेसब्री से यहाँ पर 13वां किस्त इंतजार कर रहे हैं, उनको बताने वाले हैं कि कब दिया जाएगा, आपको बताने वाले हैं।
तो देख सकते हैं कब आएगी यहाँ पर देश में 13 किस्त, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देने के बाद आके बताएंगे क्या सही है या नहीं। तो महिलाओं के प्रदेश खाते में कब ट्रांसफर होगी 13 किस्त, उसके बारे में तो कोई भी यहाँ पर अधिकारी वेबसाइट नहीं दी गई है। तो आपको बताते चले, हाल ही में अभी चुनाव चल रहा है, जैसे कि आपको बता दें माना जा रहा है, लेकिन इस बार लाडली बहन योजना के तहत 13वीं किस्त यहाँ पर बता दें 10 जून तक के यहाँ पर खाते में ट्रांसफर की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर 4 जून के इसका यहाँ पर चुनाव का है वो यहाँ पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। इससे पहले प्रदेश के यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के 12वीं किस्त यहाँ प्रदेश हैं निर्धारित जून यहाँ पर 4 मई को यहाँ पर लाडली बहना के खातों में यहाँ पर ट्रांसफर कर दी थी। इसी प्रकार लाडली बहना योजना का 11वीं किस्त आपको बताते चले, 11वीं किस्त भी आपको कब लागू किया था, तो यहाँ पर 11वीं किस्त यहाँ पर लाभार्थी महिलाओं को जो भी आवेदन किए उनको 5 अप्रैल आपको बता दें 5 अप्रैल को यहाँ पर उनके खाते में डाल दी गई थी। जो यहाँ पर 11वीं किस्त है वो आपके 5 अप्रैल और 10 और यहाँ पर इस तरह यहाँ पर 10 को लेकर यहाँ पर देख सकते हैं 12 किस्त यहाँ पर 10 से 12 किस्त हैं। राशि यहाँ पर 13 किस्त आपको बताते चले, यहाँ पर बहन लाभार्थी को यहाँ पर 10 से पहले प्राप्त हुई थी। अब देखना है कि इस बार लाडली बहन योजना का 13वां किस्त प्रदेश की जो भी बहनाएं हैं उनको यहाँ पर जून की 21 तारीख को यहाँ पर जारी कर सकती है, क्योंकि 4 तारीख में चुनाव होगा तो 10 तारीख तक आपका यहाँ पर खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। बता दें 4 जून के यहाँ पर लोकसभा का चुनाव का परिणाम आने वाला है। जैसे कि आपको पता होगा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उसका 4 जून का है जो परिणाम आने वाला है। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि लाडली बहना योजना का 13वां किस्त आपको बता दें महिलाओं को यहाँ पर मिलने में थोड़ा देर होगा, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं मिलने में मिल सकते हैं, थोड़ा देर हो सकता है। तो उसके बाद आपको बता दें चले, यहाँ पर देख सकते हैं 3000 रुपये के यहाँ पर कैसे करें लाडली बहना योजना की आवेदन, कैसे अप्लाई करोगे। तो यदि आप मध्य प्रदेश में हैं या फिर अप्लाई नहीं किए हैं अभी तक, आप लाडली बहना योजना के तहत लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं उठा रहे हैं, तो आपको बताते चले इस योजना का लाभ ले सकते हैं आप भी। अगर शर्त आपको इसमें कुछ शर्त होंगे, उसके पात्रता को आपको पूरा करना होगा। तो जो भी शर्त है, पात्रता एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में आपको बताने की पूर्ता करती है। लाडली बहना योजना का यहाँ पर मुख्य उद्देश्य आपको उत्तर प्रदेश की यहाँ पर जरूरतमंद महिलाओं, यहाँ पर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उसे सशक्त बनाना। लाडली बहना योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, जैसे कि आपको नीचे बता रहे हैं स्टेप बाई स्टेप, बस आपको फॉलो करना है। सेम आपको फॉलो करके यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाडली बहना योजना के लिए आवेदन फॉर्म सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय में प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी को आपको भर लेना होगा सही से आपको, इसके बाद दस्तावेज को यहाँ पर स्व अभी प्रमाणित करके यहाँ पर देखते हैं आवेदन के साथ अटैच करना होगा जो भी दस्तावेज आपको मांगा गया होगा। इसके बाद आपको बताते चले, इसको पूर्ण रूप से भर के फॉर्म को ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जमा कर देना होगा आपको। इस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर फोटो जो भी यहाँ पर आपको मांगा जाएगा सब आपको डॉक्यूमेंट देने रहे हैं, सत्यापन करने के बाद इसमें आप लाइक कर दिया जाएगा, जो भी आपको पूरा होगा मापदंडों को पात्रता होगा, आपको ज्यादा जानकारी यहाँ पर ग्राम पंचायत भी संपर्क कर सकते हैं।